दोस्तों बात करें इंटेल, एएमडी और स्नैपड्रैगन, ये तीनों ही जो हैं आज के समय में काफी अच्छा काम कर रहे हैं चिप वाले मार्केट के अंदर। स्पेशली बात करूं मैं लैपटॉप्स के अंदर, क्योंकि लैपटॉप के अंदर सेल्स काफी ज्यादा हो रही है और तीनों जो कंपनीज है लैपटॉप्स के लिए काफी अच्छे चिप्स और प्रोसेसर्स को यहाँ पे बना रही है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखी मैंने, इन तीनों ही कंपनीज के जो चिप्स और प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो आज के समय में माइक्रोसॉफ्ट के को पायलट प्लस पीसी के साथ कंपेटेबल भी है, प्लस आपको ऑन डिवाइस एआई का भी फीचर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर आप एक थिन एंड लाइट लैपटॉप ले तो लेटेस्ट इंटेल अल्ट्रा कोर के बारे में बात करें, या एएमडी के लेटेस्ट राइजन एआई सीरीज के बारे में बात करें, या फिर स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज के प्रोसेसर के बारे में बात करें, इनके अंदर आप ऑन डिवाइस बिना किसी इंटरनेट के अपना डेटा प्रोडक्ट करते हुए एआई वाले टास्क रन कर सकते हो, इमेजेस रन कर सकते हो, इमेजेस एडिट कर सकते हो, यहाँ तक कि किसी भी वीडियो के सबटाइटल्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ एडवांस फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके जो एक समय पहले सिर्फ स्नैपड्रैगन वाले पीसीज तक ही लिमिटेड थे। लेकिन बात करें क्या 2025 में इनकी कहानी क्या चल रही है, कौन सी कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है और कहाँ पे कौन इम्प्रूव कर सकता है, ये कुछ ऐसी बात है जिसका आज के समय में जानना यहाँ पे काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इंटेल की। इंटेल के जो प्रोसेसर है पिछले काफी लंबे समय से काफी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड इन्होंने यहाँ पे करी है, और थिन एंड लाइट कैटेगरी के जो लैपटॉप्स होते हैं वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, गेमिंग के अंदर भी अच्छा काम यहाँ पर किया, एआई वाले पीसीज को यहाँ पर भी रेडी किया, और अराउंड 40 टॉप्स के ऊपर की जो परफॉर्मेंस होती है वो लेटेस्ट इंटेल के अल्ट्रा कोर प्रोसेसर निकाल देते हैं। लेकिन अल्ट्रा कोर सीरीज के बाद इनकी नीचे एक और सीरीज आती है जिसे सिर्फ इंटेल कोर सीरीज कहा जाता है, और उसके अंदर आपको एआई वाले फीचर्स तो देखने को नहीं मिलते लेकिन रेगुलर जो टास्क रहते हैं वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो इंटेल है उसने एरो लेक के अंदर भी अच्छा काम किया है। इसके साथ ही इंटेल के साथ एक बात है कि इंटेल वाले अभी तक अपने खुद की मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन प्रोसेस के ऊपर रिलाई कर देते हैं, जिसके अंदर उनकी जो लेटेस्ट प्रोसेस है वो है इंटेल 18A जिसके ऊपर वो फैब्रिकेट कर रहे थे। लेकिन ओवरऑल बात है कि इंटेल की जो फैब्रिकेशन प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा एडवांस नहीं है जैसे आपको TSMC की देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस है वो ज्यादा एडवांस है, पावर एफिशिएंसी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, हीटिंग कम से कम है, और इस फैब्रिकेशन प्रोसेस में जो इंटेल वो लैग कर रही है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट अब ये पड़ रहा है कि इंटेल वाले फ्यूचर में कुछ ऐसी चिप्स बनाएंगे जिसे वो खुद अब फैब्रिकेट नहीं करेंगे, वो अब TSMC से यहां पे बनवाएंगे। तो देखा, तो फैब्रिकेशन वाली जो प्रोसेस रहती है ना वहां पे जो इंटेल रहती है वो थोड़ा सा यहां पे तो पीछे हो गया। इसके साथ ही इंटेल के साथ बात ये कि कुछ जगह इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं आज के समय में भी जो लेटेस्ट इंटेल कोर सीरीज आती है वहां पे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस आज भी इनकी काफी ज्यादा अच्छी है, एआई कैपेबिलिटीज ऑब्वियसली सारी सॉल्व कर रहा है, लेकिन बाकी सारी कंपनीज एआई के अंदर काफी ज्यादा काम कर रही है और ऑन डिवाइस को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे निकाल रही है। इसके साथ ही गेमिंग वगैरह के लिए काफी अच्छा है, और हाँ अगर आप एक इकोसिस्टम है किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं या फिर अगर आप मल्टीपल विंडोज के पुराने सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वहां पे कमाल की परफॉर्मेंस निकालेगा, ये एक काफी अच्छी चीज है। और हाँ सिक्योरिटी फीचर जैसे कि इंटेल वी प्रो हो गया या फिर अगर आपके ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल्स हो गए तो उनका बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे यूज किया जाता है, तो डिवाइस की जो सिक्योरिटी रहती है चिप के अंदर सिक्योरिटी वगैरह सारी चीजें काफी अच्छी है। प्रॉब्लम देखा तो नेगेटिव चीज है कि पावर कंजम्पशन जो रहता है वो आज के समय में उतना एडवांस नहीं है। सीधी बात यह कि परफॉर्मेंस पर वॉट के मामले में एएमडी काफी आगे निकल रहे हैं यहाँ पे, और एएमडी के चिप ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड कर रही है, और अगर स्नैपड्रैगन के बारे में बात करें तो स्नैपड्रैगन और भी ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है ऑलरेडी। तो देखा तो पावर कंजम्पशन काफी ज्यादा स्लो है, इसके साथ ही यहाँ पे हीटिंग वगैरह जो रहती है कंपटीशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर होती है, और मैन्युफैक्चरिंग और नोड में तो उनके चैलेंजेस आ ही रहे, तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो एक जमाने में इंटेल वाले गेमिंग के अंदर लीड किया करते थे, लेकिन आज सच बात यह कि इंटेल की जगह एएमडी के जो चिप्स आ रही है वो ज्यादा बेटर गेमिंग के अंदर अपनी परफॉर्मेंस निकाल रही है, तो इंटेल को ना अपनी जो पूरी स्ट्रेटेजी होती है थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, और 2025 के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा पीछे होता हुआ जा रहा है। बात करते हैं एएमडी के बारे में। एएमडी के जो चिप्स होती है उसके अंदर जो लेटेस्ट जेन 5 आर्किटेक्चर है वो काफी ज्यादा एडवांस है, वहां पे आपको 3D वी कैश देखने को मिलती है, और ओवरऑल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसके साथ ही XDNNPU के साथ बात करते हैं 50 टॉप्स की परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं, जब बाकी कंपनी अराउंड 40 या 42 टॉप्स पे पड़ी हुई है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एक चिप के अंदर सबसे ज्यादा जो ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड होते हैं एआई वाले टास्क में तो वो एएमडी की चिप्स के अंदर आ रहे हैं, और ज्यादा टॉप्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो उसका बेनिफिट इधर ये रहता है कि एएमडी की जो चिप्स रहती है ये आपको बेटर एआई की परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में भी देंगे, और फ्यूचर में कोई सॉफ्टवेयर होता है या विंडोज के अंदर कोई नई चीज आती है जिससे ज्यादा एआई की जरूरत पड़ती है तो एएमडी उसका अच्छे तरीके से यहाँ पे फायदा उठा सकता है। इसके साथ ही डेस्कटॉप और सर्वर साइड में भी इन्होंने काफी अच्छा काम किया, और एएमडी की सबसे अच्छी बात है कि मल्टी कोर जो परफॉर्मेंस रहती है वो एएमडी के सीपीयूज की बहुत अच्छी रही है कई सारे समय से, और जो मल्टी थ्रेडेड वाले टास्क रहते हैं वहाँ पे एएमडी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, जिस कारण से एएमडी के चिप्स राइजन के अंदर जो नहीं आ रही है, स्पेशली बात करें जो जेन 6 जो आने वाली है वो काफी एडवांस लग रही है, और डेस्कटॉप और सर्वर साइड में ये लोग यहाँ पे काफी कमाल कर रहे हैं, इवन प्रोसेस भी इनकी काफी अच्छी, और थर्मल एफिशिएंसी भी इंटेल के कंपैरिजन में
कम है और परफॉर्मेंस एफिशिएंसी भी यहाँ पे ज्यादा निकाल रहे हैं। और ओवरऑल बात करें तो परफॉर्मेंस पर वॉट के बारे में बात करें AMD यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे काफी सही है। और अगर हम बात करें गेमिंग के अंदर भी, तो गेमिंग के अंदर भी AMD आज के समय में ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो वो एक काफी अच्छी चीज है जहाँ पे आपको अफोर्डेबल रेट के अंदर अच्छी क्वालिटी की चिप्स यहाँ पे मिल रही है। AMD का जो मार्केट शेयर होता है ना वो भी यहाँ पे इंक्रीज होने लगा है और इंटेल का थोड़ा सा यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज में जा रहा है। और इवन लैपटॉप के अंदर भी ये लोग अपनी काफी अच्छी चिप्स को यहाँ पे ला रहे हैं। और अगर हम बात करें ग्राफिक्स की, तो AMD के जो RDNA GPUs होते हैं वो इंटीग्रेटेड GPU भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज हैं। जैसे कि बात करें AMD की जो परफॉर्मेंस रहती है वो सिंगल कोर में उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, इंटेल वाले थोड़ी ज्यादा अच्छी यहाँ पे प्रोवाइड कर देते, तो ये एक चीज है। इसके साथ ही AMD की जो चिप्स होती है, अगर मैं लैपटॉप से बात करूं, तो बहुत ही लिमिटेड OEM से जिनके अंदर आती है। सारे OEM पार्टनर AMD की चिप्स को अब अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, और लैपटॉप के अंदर जो वैरायटी रहती है ना AMD के चिप्स की काफी ज्यादा लिमिटेड रहती है। ये एक इशू है जिसे AMD को यहाँ पे सॉल्व करना जरूरी है, ज्यादातर पार्टनर के साथ ये लोग काम कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ पावर एफिशिएंसी की, तो पावर एफिशिएंसी इंटेल की तुलना में ज्यादा है, लेकिन आज भी जो पावर एफिशिएंसी में सच में जो किंग बन के बैठा हुआ ना वो है स्नैपड्रैगन एक्स सीरीज, जिनके अंदर कमाल की पावर एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो देखा तो AMD कर रहा है काम, अब उन्हें और ज्यादा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली हम बात करते हैं क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन एक्स की, जिसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन एक्स, एक्स प्लस और एक्स एलीट लास्ट ईयर जो लॉन्च हुआ था वो देखने को मिला था। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि ये लोग ARM के डिजाइन को यूज कर रहे थे, TSMC के प्रोसेस को लाए, काफी ज्यादा इन्होंने एडवांस बनाया, जिस कारण से इनकी जो थर्मल परफॉर्मेंस है वो अच्छी है, प्लस परफॉर्मेंस पर वॉट मार्केट के अंदर सबसे अच्छी है यहाँ पे। इसके साथ पावर कंजम्पशन मार्केट में सबसे ज्यादा लो है, और स्नैपड्रैगन एक्स के अंदर लोग 19-20 आवर्स तक एक लैपटॉप को यहाँ पे रन कर सकते हैं, तो एक एडवांटेज है। इसके साथ ही यहाँ पे NPU के अंदर भी ये लोग 40 टॉप्स के ऊपर की यहाँ पे परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं, जिसका बेनिफिट है कि अब ऑन डिवाइस AI वाले टास्क यहाँ पे कर सकते हैं। और सबसे पहले AI वाली कैपेबिलिटीज को स्नैपड्रैगन ने ही यहाँ पे क्लियर कराई थी, और ऑलरेडी अलग अलग OEM के साथ काम करके आज के समय में 55,000 रुपीज के सेगमेंट से भी स्नैपड्रैगन एक्स के जो लैपटॉप होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम आज के समय की कंपेटिबिलिटी के इश्यूज वाकई में है इसके साथ, जिसके अंदर कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करती जो पुराने x86 आर्किटेक्चर पे थी, और x86 आर्किटेक्चर पे आपकी इंटेल और AMD बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते। अगली चीज ये कि यहाँ पे डेवलपर्स धीरे धीरे ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, चीजें बना रहे हैं एप्लीकेशन को जिस तरीके से स्नैपड्रैगन वाले PC के अंदर आसानी से रन हो जाए। और मैंने भी यहाँ पे स्नैपड्रैगन एक्स के लैपटॉप को जब यूज किया तो मेरे को भी फंडामेंटल प्रॉब्लम समझ गया। यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे लेना है, वो एक सबसे बड़ा इशू है। अगर वो इशू यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सॉल्व हो जाए तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने ये भी ऑब्जर्व किया यहाँ पे AI वाले फीचर्स आपको विंडोज को ज्यादा ही प्रोवाइड कर देता है, जो अभी नॉर्मल आपके AMD या इंटेल वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप में देखने को नहीं मिलते, और कई सारे फीचर यहाँ पे थोड़ी सी प्रायोरिटी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। ओवरऑल बात करें तो लैपटॉप के अंदर आपको अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, लेकिन ये जो चिप्स है ना इनका GPU अभी इतना पावरफुल नहीं है कि प्रॉपर डेडिकेटेड GPU को यहाँ पे सपोर्ट कर जाए। और ये जो चिप्स है ना सिर्फ थिन एंड लाइट फॉर्म फैक्टर के लिए बनाई गई है, किसी गेमिंग PC के लिए बनाई नहीं गई, तो डेफिनेटली गेम खेलने के लिए आप इसे थिन एंड लाइट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थर्मल एफिशिएंसी काफी अच्छी है, यहाँ पे आपको बैटरी अगर अच्छी चाहिए तो वो आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल चीजें हैं जैसे यहाँ पे इन्होंने काम किया। अगर फ्यूचर में अगर स्नैपड्रैगन को यहाँ पे काम करना है ना, तो यहाँ पे इनके जो GPU होता है उसको और ज्यादा बेटर बनाए, और जो एप्लीकेशन अभी इम्यूलेटेड फॉर्म में चल रही उसको और अच्छी परफॉर्मेंस कैसे प्रोवाइड करें वहां पे काम किया जा सकता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर में काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो सकता है कि x86 जो आर्किटेक्चर है वो देख के कहीं भी नहीं लग रहा कहीं खत्म होने वाला है। ARM की तरफ से कंपटीशन आया, लेकिन इंटेल वाले अपनी 18A प्रोसेस सुनने में आया, 14A पर भी काम कर रहे हैं, सुनने में आया कि TSMC के साथ काम कर रहे हैं, तो इंटेल वाले आने वाले समय में अलग अलग और हाई एफिशिएंसी वाली चिप्स को निकालेंगे, जिसके अंदर जो अभी प्रॉब्लम्स आ रही है छोटी मोटी उसको सॉल्व करेंगे। इंटेल अपने आर्क GPU को और ज्यादा पावरफुल यहाँ पे करेगा, इसके साथ ही AMD और बेटर चिप्स के ऊपर काम करेगा, इसके साथ ही स्नैपड्रैगन वाले ARM के साथ टिके रहेंगे, लेकिन वो आने वाले फ्यूचर में हो सकता है 2nm वाली चिप्स को भी लेकर आए, जहाँ पे एफिशिएंसी को और बेटर करे और जो परफॉर्मेंस होती है उसे उस लेवल पे ले जाए कि अगर इम्यूलेशन में भी अगर कोई प्रोग्राम यहाँ पे चल रहा है तो भी उसको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर ले। तो हाँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर हो सकती है। देखो, इंटरेस्टिंग काम चल रहा है यहाँ पे, देखने वाली बात है कि इंटेल वाले यहाँ पे किस तरीके से लगते हैं, AMD के साथ फ्यूचर में क्या रहता है, स्नैपड्रैगन के साथ क्या रहता है। लेकिन हाँ, जो जंग जो चल रही है आज के समय में वो थिनर वाले लैपटॉप के अंदर थोड़ी ज्यादा चल रही है। गेमिंग PC के अंदर इंटेल और AMD का बहुत अच्छा है, और डेस्कटॉप और सर्वर साइड में इंटेल AMD बहुत अच्छा कर रहे हैं, और स्पेशली AMD अपनी नई चिप्स के साथ सर्वर साइड और डेस्कटॉप साइड में जो न्यू चिप्स निकालेगा वहां पर भी एक काफी अच्छी चीज देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल ये कुछ अच्छी बातें रहती है PC इंडस्ट्री और चिप इंडस्ट्री से रिलेटेड। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कौन सा प्रोसेसर यहाँ पे पसंद है नीचे कमेंट में। थैंक यू बने रहने के लिए, मैं आप चलता हूँ अपने।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।